हेलो एंड वेलकम। सो इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को देखते हैं। सोल्व द फॉलोइंग यूनिट कॉस्ट मैट्रिक्स यूजिंग वैम। सो वैम क्या हमारा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। सो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर ओवर एग्जाम में पूछा गया है। हमारे पास जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन है, ये हमारे पास क्या होता है पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये क्या है डिमांड एंड इधर हमारे पास सप्लाई रहता है। सो हमारे पास सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई को चेक करना है। मेन मिस्टेक क्या हो सकती है, जैसे ही हमने वैम मेथड पढ़ा तो हम पेनल्टीज निकालने लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले देखना है प्रॉब्लम कौन सी है। सो टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई हमने जब चेक की तो टोटल डिमांड हमारे पास कितनी आई 215 एंड टोटल सप्लाई 235। सो ये हमारे पास अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन का केस है, तो इसको हमें पहले बैलेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं बैलेंस में, जो चीज कम है उसको आप देखिए, डिमांड कम है 20, ठीक है, तो डिमांड क्या होती है यहां पर, तो जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो ये कम आ रही है, तो एक और ऐड कर दो, कितना ऐड करना है जितना वो कम है। तो इस तरह से क्या चीज ऐड होती है हमारे पास कॉलम। सो हमें डमी कॉलम ऐड करनी है जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है जीरो। सो ये जो है डमी रो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि ये अनबैलेंस का केस है, इसको हमें पहले बैलेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा डिमांड जितना वो कम है 20। सो इसको अब हम सॉल्व करेंगे यूजिंग वैम मेथड। सो अब हम चेक करेंगे क्या हमारी टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई इक्वल है, तो दोनों इक्वल है इसलिए हमारे पास बैलेंस का केस बन जाता है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग वैम मेथड। सो वैम मेथड में हमारे पास क्या है, हमें पेनल्टीज निकालनी रहती है। पेनल्टीज क्या होती है, पर यूनिट इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसका क्या मतलब है, देखिए पेनल्टी कैसे निकलेगी। इस रो के लिए हमारे पास सबसे मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, जीरो है, तो हम क्या चाहेंगे, हम इसमें मैक्सिमम एलोकेट करें क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम है, तो मैक्सिमम एलोकेशन देने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमारे पास क्या है एलोकेशन हम मैक्सिमम नहीं दे पाते, हमारे पास कुछ रह जाती है, तो नेक्स्ट हमारे पास मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है 4, तो इसमें हम एलोकेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन पहले 0 थी, अब कितनी हो गई 4, तो इंक्रीज हो गई 0 से 4। सो 1 यूनिट के लिए कितनी इंक्रीज हुई हमारे पास 4। सो पेनल्टी क्या होती है, पर यूनिट इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो मिनिमम हमारे पास क्या है 0, सेकेंड मिनिमम क्या है 4, सो सेकेंड मिनिमम माइनस मिनिमम हमारे पास पेनल्टी आ जाती है। सिमिलरली इस रो के लिए हमारे पास क्या आएगी, 0 है मिनिमम, सेकेंड मिनिमम क्या है 16, सो 16 माइनस 0 हमारे पास क्या है 16, देन मिनिमम 0, सेकेंड मिनिमम 8, 8 माइनस 0 हमारे पास क्या आ जाएगी इस रो की पेनल्टी, क्लियर। देन इस कॉलम की पेनल्टी निकालनी है, कैसे निकलेगी, मिनिमम क्या है 4, सेकेंड मिनिमम क्या है 8, सो सेकेंड मिनिमम माइनस फर्स्ट मिनिमम 4 आ जाएगी इस कॉलम की पेनल्टी, क्लियर। देन इस कॉलम की मिनिमम है 8, सेकेंड मिनिमम क्या है 16, 16 माइनस 8, 8 आ जाएगी, देन 8, सेकेंड मिनिमम 16, 16 माइनस 8, 8, देन इसकी 0 ही रहेगी। सो मैक्सिमम पेनल्टी हमें किस केस में पड़ रही है ज्यादा, इस केस में 16 इस रो के लिए, सो जो मैक्सिमम पेनल्टी है वहां से हम एलोकेशन देंगे, किसको देंगे, जो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है इस रो में कौन सी है 0, तो 0 को हम सबसे पहले एलोकेट करेंगे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड चेक कीजिए एंड सप्लाई चेक कीजिए। सो जो डिमांड है 20, सप्लाई क्या है 82, सो ये सप्लाई इसको फुलफिल कर सकती है, हमें क्या है मैक्सिमम डिमांड को फुलफिल करना है, तो ये सप्लाई इसको कर देगी। इसके पास सब डिमांड कोई नहीं बची, इसने 20 यूनिट्स दे दिए, तो इसके पास क्या है 62 बैलेंस बचा है अभी, तो जो हो जाता है 0 उसको हम कर देंगे कैंसिल आउट, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे आगे, ना रो ना ही पेनल्टीज निकालते वक्त और ना ही जब हम बाकी रोज एंड पेनल्टीज निकालेंगे इस कॉलम को कंसीडर नहीं करेंगे, क्लियर। देन हमारे पास क्या है, हर एक रो एंड हर एक कॉलम की फिर से पेनल्टी निकाली है, इस कॉलम की क्या जाएगी 4, इसकी 8, इसकी हमें निकालने की जरूरत नहीं है। देन इस रो की फर्स्ट क्या है मिनिमम 4, सेकेंड मिनिमम क्या है 8, सेकेंड मिनिमम माइनस फर्स्ट मिनिमम इसकी 4 आ जाएगी। देन इस रो की
फर्स्ट मिनिमम क्या है 16, सेकेंड मिनिमम क्या है 16, तो इसकी जीरो आ जाएगी। हो सकता है मैं यहाँ पे एलोकेट कर दूं, अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास 16 ही है, यहाँ पे भी एलोकेशन हो सकती है तो पेनल्टी जीरो आ जाएगी। देन नेक्स्ट रो के लिए मिनिमम है 8, सेकेंड मिनिमम क्या है 16, सो सेकेंड मिनिमम माइनस मिनिमम। सो अब देखिए कौन सी पेनल्टी हमारे पास ज्यादा है। सो हमारे पास क्या है, टाई हो गया पेनल्टीज में, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8 एंड यहाँ पे भी। सो जब हमारे पास इस तरह से टाई हो जाए पेनल्टीज में, तो हमें उस रो या उस कॉलम में जहां पे हमारे पास टाई हुआ है मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड आउट करनी है और वहां से एलोकेशन देनी है। तो देखिए इस कॉलम की जहां पे हमारे पास टाई हुआ है इसकी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 8 है, इसकी देखिए इसकी भी 8 है, देन इसकी जो तीसरी टाई हुई है उसमें देखिए इसकी भी 8 है, तो इसमें भी टाई हो गया हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर एक आ जाती कोई यूनिक तब हम उसको एलोकेट कर सकते थे, लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी टाई हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में टाई हो जाए हम क्या देखेंगे, मैक्सिमम एलोकेशन कहाँ पे हो सकती है। देन इस वाले 8 में कितनी हो सकती है, इसकी डिमांड चेक कीजिए 72, सप्लाई क्या है 77, सो मैक्सिमम इसमें एलोकेशन कितनी हो सकती है 72, ये चीज आप ध्यान रखिए ठीक है। अब इस वाले 8 में कितनी हो सकती है, डिमांड चेक कीजिए 102, सप्लाई क्या है 76, सो जो मैक्सिमम डिमांड फुलफिल हो सकती है सप्लाई से वो क्या है 76, ठीक है, यहाँ पे 76 एलोकेशन हो सकती है। देन इस वाले 8 में जो हमारे पास मिनिमम आया था इसकी डिमांड क्या है 41, सप्लाई क्या है 76, मैक्सिमम एलोकेट हम कितना कर सकते हैं 41, तो यहाँ पे 72, यहाँ पे 76, यहाँ पे 41, तो कहाँ पे मैक्सिमम एलोकेट कर सकते हैं इस वाले 8 में, तो इस वाले 8 में हम एलोकेट करेंगे, क्लियर। अगर एलोकेशन भी सेम आ जाती तो किसी में भी आप कर सकते थे ठीक है। देन हमारे पास 76 यहाँ पे हमने एलोकेट कर दिया, इसके पास क्या रह गया 0, इसकी कितनी डिमांड फुलफिल होगी 76, तो क्या बैलेंस बचा 86, 96, 26 बैलेंस अभी इसके पास बचा है, जो हो जाता है 0 उसको हम कर देंगे कैंसिल आउट, ना ही हम इसकी पेनल्टीज फाइंड आउट करेंगे आगे और ना ही बाकी रोज एंड कॉलम की पेनल्टी निकालते वक्त इस रो को कंसीडर करेंगे, क्लियर, ना इसको करना है जो कट हो गया है। अब हर एक रो एंड हर एक कॉलम की फिर से पेनल्टी निकालिए, इस रो की क्या आ जाएगी, दो ही नंबर बचे हैं, दिस माइनस दिस हो जाएगी 8 आ जाएगी, देन इस कॉलम की 8, देन इसकी 8, इसकी निकालने की जरूरत नहीं है, देन इसकी इस रो की 0, क्योंकि फर्स्ट मिनिमम 16 है सेकेंड भी 16, तो 0, देन इस रो की 16 माइनस 8, तो अब हमारे पास क्या फिर से टाई हो चुका है पेनल्टीज में। सो जो टाई हुआ है पेनल्टीज में उसकी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखिए अगर मिलती है हमें, तो इस वाले कॉलम की मिनिमम क्या है 8, इस वाले की 16, देन इस वाले में टाई हुआ है इसकी क्या है 16, देन इस वाले में टाई हुआ है इसकी मिनिमम क्या है 8, सो 8 ही हमारे पास मिनिमम आ रही है ठीक है। तो मिनिमम जहां पे आ जाए ट्रांसपोर्टेशन को उसको एलोकेट करना है, इसकी डिमांड चेक कीजिए एंड सप्लाई चेक कीजिए, तो डिमांड क्या है हमारे पास फुलफिल हो जाएगी, सप्लाई ने 72 दे दी, इसके पास 5 बैलेंस बचा, इसकी डिमांड हो गई फुलफिल, जो हो जाता है 0 उसको हम कर देंगे कैंसिल आउट, इसकी ना अब पेनल्टीज निकालेंगे एंड ना ही इसको कंसीडर करेंगे जब बाकी रो एंड कॉलम की पेनल्टी फाइंड आउट करेंगे, इज इट क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या, अब जो कैंसिल आउट हो गया उसको कंसीडर नहीं करना है, अब इस रो की क्या निकलेगी, दो ही नंबर बचे हैं, दिस माइनस दिस, तो 8 आ जाएगी, देन इस कॉलम की 8, इसकी निकालने की जरूरत नहीं है, देन इसकी 8 ही आएगी, दो ही तो नंबर बच गए, देन इसकी भी 8, सो फिर से अब टाई हो गया। तो देखिए टाइम में मिनिमम हमारे पास कोई आ रही है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यूनिक, इसकी देखिए 16 है, इस वाले कॉलम की 16 है, देन इस वाले रो की 16 है, इस वाले रो की 16 है, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी टाई हो गया, तो जहां पे हम मैक्सिमम एलोकेट कर सकते हैं वहां पे हम एलोकेशन देंगे, इस वाले 16 में कितनी कर सकते हैं, इसकी डिमांड क्या है 26, सप्लाई क्या है 5, सो मैक्सिमम कितना हो सकती है 5, क्योंकि इसकी सप्लाई सिर्फ 5 बची है। अब इस वाले 16 में देखिए एलोकेशन कितनी हो सकती है, डिमांड क्या है 41, सप्लाई क्या है 62, सो जो डिमांड है पूरी सप्लाई कर सकता है, यानी कि इसमें 41 हो सकती है एलोकेशन,
तो इसमें कितनी हो सकती है 5, इसमें कितनी हो सकती है 41, जहां पे मैक्सिमम एलोकेशन होगी वहां पे हम कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0, इसने 41 दे दी, इसके पास क्या बचा 21, अभी बैलेंस बच गया। क्लियर, जो जाता है 0 उसको हम कर देंगे कैंसिल आउट, इसकी आगे निकालने की जरूरत नहीं है पेनल्टीज। देन हमारे पास जो अनकट बच गए हैं 24 एंड 26, इसकी रोज एंड कॉलम की पेनल्टीज निकाली है। निकाल सकते हैं हम इस रो की, निकाल सकते हैं, एक ही नंबर बचा है, बाकी क्या है कैंसिल आउट। तो अब हम रो की नहीं निकाल सकते क्योंकि रो की निकालने के लिए हमारे पास दो नंबर चाहिए, सेकंड मिनिमम माइनस फर्स्ट मिनिमम। अब हमारे पास एक बचा है, इस वाले रो की निकाल सकते हैं? नहीं, सारे कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ 16 ही बचा है। देन इस वाले कॉलम की निकाल सकते हैं? तो यही हमारे पास सिर्फ कॉलम बची। ठीक है, तो हमारे पास अगर इस तरह से आ जाए एक कॉलम या एक रो बचा है, हम क्या करेंगे, लीस्ट कॉस्ट मेथड अप्लाई कर देंगे। लीस्ट कॉस्ट मेथड क्या है, जो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वहां से एलोकेशन देंगे। तो मिनिमम क्या है 16, इसकी डिमांड देखिए एंड सप्लाई चेक कीजिए। तो कितनी हो सकती है इसकी डिमांड फुलफिल 5, क्योंकि इसके पास सिर्फ 5 ही सप्लाई बची है। ये हो गया 0, इसके पास क्या है 21, अभी बैलेंस पड़ा है। ठीक है, इसकी 21 डिमांड फुलफिल करनी है अभी, जो हो जाता है 0 स्कोर देंगे हम कैंसिल आउट। देन एक ही नंबर बचा है हमारे पास, इसकी ट्रांसपोर्टेशन, इसकी डिमांड देखिए एंड सप्लाई देखिए। तो 21 21 इसकी फुलफिल हो जाएगी, ए भी हो गया 0 एंड जे भी। तो हमारे पास क्या है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकल के आ गया है यूजिंग वैम मेथड। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे फाइंड आउट होगी, क्या होती है टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी इसको मल्टीप्लाई कीजिए जो ऑक्यूपाइड सेल्स हैं जहां पे हमने एलोकेशन दिए हैं, ऐड कर दीजिए। तो क्या आ जाएगी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सो जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 2424। क्लियर, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो ये जरूरी नहीं है। तो अगर हमारे पास प्रॉब्लम में होता एंड आल्सो चेक इट्स ऑप्टिमेलिटी या ऑप्टिमल कॉस्ट भी निकालिए, तो कैसे निकालोगे आप अगर हमारे पास होता? तो इसके लिए हमारे पास, हमें पता है टू मेथड्स हैं, स्टेपिंग स्टोन एंड मोदी और यूवी मेथड। तो दोनों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, इसकी ऑप्टिमल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मोदी मेथड अप्लाई करेंगे क्योंकि ये मेथड जो है इजी है। स्टेपिंग स्टोन में हमें लूप फाइंड आउट करनी पड़ती है हर एक चेंज फाइंड आउट करने के लिए। तो इजीली हमारे पास कहाँ से आ सकता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यूजिंग मोदी मेथड। तो इसका आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल के देखिए, तो ये भी काफी यूनिक निकलेगा। जैसे आंसर हमारे पास यूनिक आया 2424, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी यूनिक ही आएगा इसका। तो इसका आप चेक करके हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।